नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। डबल इंजन के सरकार ने आपके वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर दिया है। 19 लाख रोजगार का वादा करके ये सरकार भूल चुकी है। ये बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से की जा रही है। आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से 19 लाख रोजगार की बातें कही जा रही थी। उन्होंने इस बात का दावा किया था कि सत्ता में आने के बाद बिहार के लोगों को 19 लाख नौकरियां दी जाएगी। ऐसे में अब इन वादों को तेजस्वी यादव याद दिलवा रहे हैं और साथ ही साथ जनता से भी कह रहे हैं कि सरकार ने, यानी कि इस डबल इंजन सरकार ने आपके वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का, किस तरह से उन्होंने बीजेपी के वादे की याद दिलाई है और एक बार फिर से किस तरह से एनडीए सरकार पर तेजस्वी यादव की तरफ से हमला किया गया है, पहले देखिए। विगत एक वर्ष में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुई है। एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरियां रोजगार देने का वादा था, लेकिन क्या हुआ सोचिए। डबल इंजन सरकार के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद कर दिया है। बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो ये बातें तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है। आपको बताएं कि जहां एक तरफ 19 लाख नौकरी की बात कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने ये भी आरोप लगाया है कि 2019 में सत्ता में आने के बाद इस एनडीए की सरकार ने 15 लाख नौकरियां खा गई है, यानी कि 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ये बड़ा आरोप इस वक्त तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव में चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, इन तमाम पार्टियों की तरफ से कई सारे वादे किए गए थे। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव 20 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी ये वादे किए जा रहे थे कि सत्ता में आने के बाद लोगों को 19 लाख नौकरियां दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने वादों में फेल साबित हुई है, जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, उसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुखर होकर सामने आ रहे हैं और एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने डबल इंजन के सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, चाहे वो अपराध को लेकर हो, हत्या को लेकर हो, शराबबंदी को लेकर हो, इन तमाम मसलों को लेकर हमेशा से ही तेजस्वी यादव मुखर होकर सामने आते रहे और एनडीए सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से जिस रिकॉर्ड की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आपको बताएं कि उस डेटा के अनुसार पिछले एक वर्ष में 15 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं और ये डेटा तेजस्वी यादव की तरफ से बताया जा रहा है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव 19 लाख रोजगार की याद दिला रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने जनता से भी ये कहा है कि आप जरा सोचिए कि किस तरह से इस डबल इंजन की सरकार ने आपके वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक और ऐलान तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं हमेशा बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहूंगा, चाहे कोई भी मुद्दा हो। डबल इंजन की सरकार अगर कोई भी गलत कदम उठाती है तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करूंगा और जब तक मुझे जीत हासिल नहीं होगी, मैं बिहार की जनता के लिए संघर्ष करता रहूंगा। तो इस वक्त ये बड़ी बातें तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही है। जहां एक तरफ उन्होंने नौकरी की याद दिलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी और कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि एनडीए सरकार की तरफ से तेजस्वी यादव के इस आरोप पर क्या कुछ सफाई आती है। लेकिन इस वक्त जनता की भविष्य को बर्बाद करने का आरोप इस डबल इंजन की सरकार पर लगाया गया है। तेजस्वी यादव ने सीधे कहा है कि आप जरा इस बात को सोचिए कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसे में आपका वर्तमान और भविष्य किस तरह से चौपट हो गया है। फिलहाल के लिए ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।